दोस्तों मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माय टेक। तो दोस्तों एक और हैशटैग मैंने बस उसका करता जो आज मैं टॉपिक सुनने लो वो है Vivo X21 और Vivo Nex के बारे में बताने वाला हूं। कौन सा मॉडल बेस्ट होगा बताऊंगा, रिफ्रेश बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा, मैं और करके देखते रहिए वीडियो अंत तक। तो फुल डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को, चैनल वीडियो को देखते रहिए अंत तक। मेरे स्क्रीन को मेजर में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे से बनाए वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं दोस्तों। Vivo X21 में आपको 6GB रैम और 128GB रोम मिल जाता है, जो प्राइस है आपको 16,000 रुपया। कलर इसमें आपको ब्लैक अवेलेबल मिल जाता है। अब मैं फीचर्स बताता हूं इस मोबाइल का। इसमें एक्सटर्नल आपको 256 लगा सकते हैं, जो मेमोरी कार्ड 256 लगा सकते हैं, जो चीप लगता है मोबाइल में वो 256 का लगा सकते हैं। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ, फिंगरप्रिंट में डिस्प्ले में दिया हुआ है सॉरी दोस्तों, 6.21 इंच फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। और प्राइमरी कैमरा जो इसमें बैक कैमरा, जो पीछे का बैक कैमरा है वो 12 MP प्लस 5 MP दिया हुआ है। फ्रंट कैमरा मतलब जो फेस कैमरा है, जो सेल्फी लेते हैं इससे, आप वो 12 MP का आप लोग दिया हुआ है। 3260 mAh का लियोन पॉलीमर बैटरी आपको दिया हुआ है। कोलकाता स्नैपड्रैगन 668 AI का प्रोटोकॉल प्रोसेसर दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन 8.1 ऑडियो दिया हुआ है। ठीक से बता दिया आप लोग को मैं Vivo X21। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो Vivo Nex के बारे में। इसका 8GB और 128GB का वेरियंट है, कलर ब्लैक है। इसमें फिंगर प्राइस जो है वो 40,000 रुपये का है। अब मैं फीचर्स बताने जा रहा हूँ इस मोबाइल का। इसमें आपका मिल जाता है 6.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है इस मोबाइल में। प्राइमरी कैमरा 12 MP प्लस 5 MP देखने को मिलता है, जो फ्रंट कैमरा वो 5 MP देखने को मिलता है। 4000 mAh का लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी देखने को मिलता है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 645 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का दिया हुआ है, जो मोबाइल में प्रोसेसर है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन 8.1 ओरियो दिया हुआ है। दोस्तों बता दिए कौन सा मोबाइल बेस्ट है बताने जा रहा हूँ। दोस्तों प्राइस के हिसाब से आप कीजिए कंपेयर, तो मुझे नहीं पता, आप बताइए। पता है मुझे लेकिन बता नहीं रहा हूँ कि मुझे तो Vivo Nex पर अच्छा लगा, लेकिन जो प्राइस का आपके हिसाब से आप बोलिए कम प्राइस, तो Vivo आप लोग के लिए X21 अच्छा है। अब प्राइस तो अगर हाई बढ़ाना चाहते हैं तो Vivo Nex आप लोग अच्छा। ठीक है बता दिया कौन सा मोबाइल बेस्ट है आप लोगों को, आप लोग कौन सा मोबाइल बेस्ट मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब आपको कमेंट दिए, कमेंट कीजिए मुझे, अब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा टॉपिक में बताना है मोबाइल के बारे में। तो कमेंट अभी आ नहीं रहा तो मैं खुद से बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो के साथ करता हूँ पर। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के लिए फिर जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।